हेलो, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे स्टूडेंट्स हैं जिनमें हियरिंग और डेफ बच्चे दोनों हैं जो कि डीएड एचआई और डीटी आईएसएल कोर्स के हैं। हर फ्राइडे हम लोग गेम खेलते हैं जिसका एम होता है आईएसएल लॉजिक, जिसमें हम लोग साइंस को मैच करते हैं और देखते हैं साइन किस डायरेक्शन में किया जा रहा है, देन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमने इस गेम में एक चिट में इंग्लिश के शब्द जैसे डॉग, ट्री लिखकर उनको जमीन पर फेंक दिया। देन उसके बाद बच्चे आएंगे, चिट को उठाएंगे और ओपन करेंगे। जिन दो बच्चों के वर्ड सेम होंगे वो आपस में कैच करके साथ में बैठ जाएंगे। ऐसे करते करते जो भी अंत तक रहेगा वो जीत जाएगा। मेरा नाम अविनाश है। जो हम ये ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से जो हमारे ब्रेन है उसकी एक्सरसाइज हो रही है और जो हियरिंग बच्चे हैं वो डेफ बच्चों की मदद से नए नए साइंस सीखेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो डेफ बच्चे हैं वो हियरिंग बच्चों की मदद से नए नए इंग्लिश के शब्द सीखेंगे ताकि जो बच्चे हैं वो डेफ कम्युनिटी में इन्वॉल्व हो पाए और सीख पाए। आपने देखा इसमें डी टी आई एस एल और डी एड दोनों कोर्स के बच्चे हैं। हम ये हर फ्राइडे खेलते हैं। इसमें चिट में इंग्लिश के शब्द लिखे हैं और ऐसे ही बच्चे खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। हेलो, हमने आज जो गेम खेला इसमें डेफ और हियरिंग सब लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें टीचर, इंटरप्रेटर्स ने सबने साथ में मिलकर इंजॉय किया। हमने देखा कि डेफ बच्चों ने बहुत अच्छे से साइन किया और उनकी रिसेप्टिव स्किल्स भी बढ़ रही है। ये इजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है साइन करना। तो आई एम वेरी लक्की कि हम लोग जीत गए। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं फर्स्ट टाइम जीती हूँ। जो ये गेम था ये मुझे बहुत पसंद आया, बहुत मैंने इन्जॉय किया इसको। इसमें मैंने नए नए शब्द सीखे। मेरा ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था गेम खेलने का जिसमें मैंने नए नए शब्द सीखे और प्लस इसमें मेरी रिसेप्टिव स्किल्स भी इम्प्रूव हुई। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर दैट। जो ये गेम था ये बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने साइंस को मैच किया, इसमें हमने नए नए शब्दों को सीखा। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग और थैंक यू फॉर दैट। और आज हम क्लासेस के बाद गेम खेल रहे थे, गेम का नाम है मैच द साइंस। और आज हमें बहुत मज़ा आया, हमें साइंस सीखने को मिले और मैं तो लास्ट में हार गया था।